नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जिस जिसने ना सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अब तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जल्द ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो। गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो सडन ब्लॉग बन रहा है। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि हाँ मैंने ये कंटेंट वो कंटेंट, कुछ नहीं। मैं यहीं हूँ आज, घर में पड़ी हुई हूँ अभी तक। फिलहाल तो मैं घर में ही पड़ी हुई हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। जो लोग देहरादून में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि बारिश ने कितने बुरे हाल कर दिए देहरादून में। स्पेशली देहरादून की ही बात नहीं है, देहरादून को छोड़ के बाकी हिमाचल, पंजाब, यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है बारिश ने। सीरियसली इस बार बारिश ना खतरनाक कर रही है बिल्कुल। और छोड़ो अब यार, रहने दो, बारिश को क्या कर सकते हैं हम, बारिश को रोक तो सकते नहीं है, तो अब घर में ही पड़े रहो। तो इसीलिए गाइस, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है नाश्ता, और अभी 2 बज गए हैं दोपहर के। तो मैंने सोचा कि यार अब मुझे कुछ इंस्टेंट सा खाना था, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे पास बिल्कुल, मेरे को ना आटा गूंदना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मेरी तो शादी होगी ना, उसके बाद मैंने ना या तो अपने पति को या अपनी सासू माँ को बोलना है कि प्लीज़ आटा आप गूंद दीजिएगा और सारा काम मैं कर दूंगी। तो आटा गूंदना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आटा वाटा गूंदने की मैं लफड़े नहीं रखती। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, थोड़ी स्पाइसी वाली, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है खाने में, अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मूंग दाल की खिचड़ी। आई डोंट नो किस किसको अच्छी लगती होगी, किसको नहीं लगती होगी। गाइस, मैंने थोड़ा ही खाना है, तो फिर मैंने उतना ही एक कटोरी चावल ही रखे हैं बस, और उसके साथ मूंग दाल ऐड कर दिया है। तो गाइस फटाफट से बनाते हैं क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। हम काट रहे हैं प्याज, बस ये प्याज मुझे बनाना मत, मेरे तो अभी से आंखों में आंसू आ रहे हैं। गाइस, पता है क्या, मेरा ना रूम बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने ना रूम पूरा साफ किया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने रूम कैसे साफ किया है। गाइस ये देखो, मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया अपना, इवन मैंने थोड़ा सा अलमारी को इधर कर दिया है। पहले ये अलमारी ना इस साइड को थी, मतलब इस साइड मुड़ी हुई थी, और मैंने अब इसको इस साइड कर दिया है। इस साइड क्यों करी है मैंने, इस साइड इसलिए करी है ना क्योंकि यहाँ पे फिर किचन होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सेपरेशन मिल जाएगी इसको, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ ऐसा कर दिया है। और ये रही मैं, वही खांसी हो रही है, ये सीटी, ये जो मैंने चढ़ा रखा है ना उससे। तो गाइस ये देखो, मैंने हमारा छोटा सा कमरा है मेरा पीजी, छोटा सा, और ये वाला साइड जो है, ये वाला मेरे रूममेट का साइड है, ये वाला मेरा साइड है, और वो हमारे मंदिर। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को अपना
प्यारा सा एक चीज दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ज्यादा ही प्यारा है वो ये है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये है मतलब लाइक ये ना छोटू सा ट्रॉली है, ये छोटा है इस वजह से प्यारा तो है ही, पढ़िए मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा क्यों है। ये सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे इसीलिए क्योंकि ये मेरे पापा ने दिया था, पापा ने दिया था मुझे जब मैं देहरादून में आ रही थी, जब मैंने 12th के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए मैं देहरादून आई ना, तो तब मेरे को पापा ने दिया था ये, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और मैं इसको किसी को भी मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि हाँ दोस्तों को अपना हाँ ठीक है ये वाला बैग ले ले वो वाला बैग ले ले, लेकिन ये वाला बैग मैं किसी को भी टच नहीं करने देती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और प्यारा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मम्मी पापा का दिया हुआ तो सब कुछ ही प्यारा है बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत क्यूट लगता है। गाइस मेरे बेड के ठीक लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में मैं ये टेबल रखती हूँ और इस टेबल पे मेरे कुछ यूज़फुल सी चीज़ें होती है, जैसे कि ये सब चीज़ें, जैसे मुझे अगर खाना होता है, और गाइस मैं इन्हीं को चटरम बटरम बोलती हूँ, ठीक है आप लोग सोच रहे होंगे चटरम बटरम क्या बोल रही है ये, तो इन्हीं को मैं चटरम बटरम बोलती हूँ। और मैंने आज ना नया एक छाता खरीदा, ये रहा, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला छाता है वो गायब हो गया, गुम हो गया शूट पे, तो मैंने इसीलिए ये वाला छाता खरीदा, मुझे अच्छा लगा ये वाला छाता और बारिश में इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सो गाइस मैं तो सो गई थी जब तक वो उसकी सीटी वो हो रही थी ना, सीटी खुल रही थी तब तक मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही है और ऐसे ठंडी के मौसम में स्पेशली जब बारिश होती है, बारिश के मौसम क्या हो रहा है मेरे को। उठते हैं अब और अब खाते हैं, निकालती हूँ, देखते कैसा बना हुआ है, मुझे लग रहा है नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा शायद। चलो सेट का करूँ मैं इसको, सेट करते हैं जरा इसको। ओह शिट गाइस मैंने तो वो वाला बनाया ही नहीं, मैं दही लेके आती हूँ जिस चीज़ के लिए, इसको बाहर पर निकालती हूँ पहले, मैं ना उसकी प्रिपरेशन करती हूँ जिस चीज़ के लिए मैं दही लेके आई थी। तो मैंने गाइस इस पे इस बाउल पे एक प्याज काटी है, क्यूकम्बर तो है ही नहीं, प्याज का ही सैलड वो बनाएंगे रायता। मैंने प्याज काट चुका है और अब हम दही डालेंगे। मिर्ची खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस नाउ वी विल सर्व। पता है आप लोगों को, मुझे ना मेरी दोस्त ने भी बोला था कि यू नो प्लास्टिक के प्लेट में नहीं खाना चाहिए और तुम स्टील के प्लेट में खाओ, खाना तो अच्छा होता है। तो हम खाना फटाफट से सर्व करते हैं, पता नहीं कैसा बनाया होगा मैंने। सो गाइज मेरी मूंग दाल की खिचड़ी इज़ रेडी और ये है वो रायता प्याज वाला। सो अब मैं फटाफट से इसे खाती हूँ। और गाइज क्या है ना, जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि खाना खाते वक्त मैं YouTube में वीडियो देखने लग जाती हूँ, किसी का ब्लॉग देखने लग जाती हूँ या खुद का ही ब्लॉग देखती हूँ कि सही है नहीं है। और अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ ब्लॉग देखते देखते, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग। इस खाना खा चुका है मैंने और अच्छा बनाया था
शक्ल देख के अच्छी नहीं लग रही थी खाने की, लेकिन फिर भी अच्छा ही बना था। ये बच गया है बस, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये मेरे बाद में काम आ जाएगा रात को, और मेरा तो पेट फुल हो चुका है। बट थोड़ा सा जो मैंने दही बचाई थी ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं उस दही को चीनी मिक्स करके उसमें खा लेती हूँ, मतलब हाँ खा लेती हूँ। सो गाइस, किचन भी बहुत गंदा हो गया है, सो मेरे को बर्तन नहीं मिल रहे, तो मैं इसी में दही को डालती हूँ और खा लेती हूँ। बड़ी गंदा हो रखा है यार, मेरे घर के बर्तन कहाँ गए पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मतलब अच्छा भाई, मैंने हर जगह लगा रखी, इसी को धोना पड़ेगा यार। मैंने बस कमरा साफ कर रखा है, मेरा किचन वैसे ही गंदा हो रहा था। ये है शुगर, गाइज़ मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग को यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। मतलब अभी शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे भी यहाँ का ऐसे मौसम, मैं दिखाती हूँ। वेट ड्रॉप कर देते हैं इसको। देखो भाई, यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, पूरा सबने कपड़े यहीं टांग दिए। ये देखो गाइस, पानी यहाँ तक आ रखा, दिखाती हूँ आप लोगों को ऊपर। भाई सुबह से नहीं, इतने दिनों से हो रही है बारिश, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश ऐसी है। अब आप ही बोलो, ऐसे मौसम में कहाँ जाए हम। गाइस मेरा मन कर गया था बाहर जाने का, तो हम आ गए यहाँ देहरा खास के साइड में। एक प्यारा सा रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे मेन्यू देख सकते हो। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और चीप है। और मोमो ने मंगवाया था मोमोज का कॉम्बो, मतलब 3 मोमोज, मतलब एक बताऊँगी मैं आगे कि हमने क्या क्या मंगवाया था। और ये 2 शेक्स मंगवाए थे, एक बटर स्कॉच और एक स्ट्रॉबेरी। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हमने कौन कौन से मोमोज मंगवाए थे। मैडम आपकी शक्ल नहीं आ रही है इसमें, या तो आप उंगली दिखा लो, या तो मैडम मैं ये मोमोज दिखा लेता हूँ, या तो आपकी शक्ल दिखा लेता हूँ। गाइस दोबारा से कमरे में आ चुकी हूँ, और मैं अब अपने साथ में ये लेके आई हूँ डोलो। तो सर दर्द है थोड़ा सा हल्का फुल्का, अभी भी थोड़ा सा कुछ खा लिया मैंने, मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी यहाँ पे। तो मैंने चाय पी लिया, चाय वगैरह, क्योंकि मेरा सामान नहीं है ना चाय वगैरह की, तो कौन लेता है, इसलिए मैंने चाय, मैं सोचा बाहर जाके चाय वाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ की, तो मैंने मोमोज़ खा लिए, थोड़े ही खाए मैंने, ज़्यादा नहीं खाए, बाकी मेरे दोस्त ने खाए। और गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, बाय।